हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों पर शुक्रवार देर रात बीजेपी के कृष्णलाल पवार और जेजेपी बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिक शर्मा को विजेता घोषित किया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन मात खा गए। कांग्रेस ने भीतरघात से बचने के तमाम प्रयास किए लेकिन वे एक वोट से मात खा गए। शुक्रवार को मतदान के बाद 5 बजे से मतगणना शुरू होनी थी लेकिन जेजेपी नेताओं और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक शर्मा ने कांग्रेस के दो विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा के मतों पर आपत्ति दर्ज आयोग से अवैध करार देने की मांग की थी। कार्तिकेय के समर्थन में बीजेपी और दूसरी तरफ से कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची। इसके बाद तेजी से घटनाक्रम बदला और देर रात कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। हरियाणा राज्यसभा में कुल वोट 89 पड़े, इनमें वैध मत 88 पाए गए। पवार को जीत के लिए 31 वोट चाहिए थे जबकि कांग्रेस को 30 मत। कांग्रेस का एक वोट रद्द हुआ तो 29 रह गए। वहीं कार्तिकी को 28 वोट मिले लेकिन वैध मत की संख्या 88 होने के कारण कृष्णलाल पवार की पहली प्राथमिकता के 1.66% वोट कार्तिकी को मिलने के कारण वह जीत गए। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट बीबी बत्रा ने कहा, कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं डाला, इस वजह से माकन की हार हुई। अगर वे कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देते तो हम जरूर जीतते। 6 निर्दलीय विधायकों ने पवार और बीजेपी के 15 विधायकों ने कार्तिकेय को वोट दिए। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और निर्दलीय विधायकों में बड़ा समझौता हुआ था। 6 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पवार को वोट दिया जबकि बीजेपी के 15 विधायकों ने निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में मतदान किया। विश्वसनीय सूत्रों का दावा किया कि यह सब इसलिए किया गया ताकि निर्दलीय विधायकों पर खरीद फरोख्त के आरोप न लग सके। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।